नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे है। अगर आप किसी की शराब की लत छुड़वाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का नशा छुड़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज मैं आपके साथ में एक टोटका शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, ना कोई दवाई है, ना कोई नुस्खा है, आज एक टोटका शेयर करने वाली हूँ। इस टोटके को करके आप किसी भी व्यक्ति के नशे की लत को, नशे की तलब को छुड़वा सकते हैं। जी हाँ, शराब का नशा हुआ, अफीम, गांजा, चरस, यहां तक कि तंबाकू, सिगरेट का भी नशा किसी भी व्यक्ति का आसानी से छुड़वाया जा सकता है इस टोटके को करके। तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, विदाउट स्किप किए वीडियो देखिएगा, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। या दोस्तों, तो ये जो टोटका है ये आपको कब करना है, ये आपको करना है 7 दिनों तक। ठीक है, लगातार 7 दिनों तक करना है इस टोटके को। 7 दिन मतलब पूरा हफ्ता। अगर आप रविवार से शुरू करते हैं तो शनिवार तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रविवार को फिर से नहीं करना है, सिर्फ 7 दिनों तक करना है। बीच में एक भी दिन की गैप नहीं देना है। अगर बीच में कोई दिन छूट जाता है तो फिर अगर आप जब से करेंगे, फिर अगली बार आप जब करेंगे तो फिर से शुरुआत होगी, एक से ही शुरुआत होगी। मतलब लगातार 7 दिनों तक इस टोटके को आपको करना है। अब क्या करना है, आपको लेना है एक धतूरा। ठीक है, ये जो धतूरा होता है, यहाँ पर मैंने आपको फोटो शो किया है, इस तरह का आपको धतूरा ले लेना है। आप सभी जानते होंगे भोलेनाथ को चढ़ाया जाने वाला एक फल है धतूरा। ये धतूरा आपको ले लेना है। अब आपको क्या करना है, इस धतूरे को सिंदूर लगा देना है। ठीक है, चारों तरफ आप इसे सिंदूर लगा दें। अब कई लोग यहाँ पर कहेंगे इसके तो चारों कांटे होते हैं, इसे सिंदूर कैसे लगाएं। तो क्या करें, एक सिंदूर को कटोरी में घोल लें। ठीक है, पानी में ही घोल लें, चाहे तो तेल में घोल लें, इसे घोल लें और सिंदूर को घोल लें और घोली हुई कटोरी में इस धतूरे को आप डुबा दें तो इसके चारों ओर सिंदूर लग जाएगा। अब इसे आप चाहें तो उस कटोरी में ही डूबे रहने दें। अब इस सिंदूर को लेकर आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर। ठीक है, हम जो भोलेनाथ का मंदिर होता है वहाँ पर आप इसे ले जाए। वहाँ ले जाकर आपको ये जो सिंदूर है, सिंदूर लगा हुआ धतूरा है, ये भोलेनाथ को अर्पित करना है। ठीक है, भोलेनाथ को अर्पित करते समय आपको मन ही मन में जो व्यक्ति शराब पीता है उसका नाम लेकर कहना है, एक मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो धतूरा है इसे आप भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे, भोलेनाथ को चढ़ा देंगे और फिर इस मंत्र का जाप करेंगे मन ही मन में 21 बार। 21 बार मंत्र का जाप करने के बाद में, भोलेनाथ को नमन करने के बाद में आप अपने घर पर चले आएंगे। लगातार 7 दिनों तक इस उपाय को कीजिए, 7 दिनों तक इस मंत्र का जाप कीजिए। आप खुद देखेंगे जो व्यक्ति शराब पीता है धीरे धीरे उसे शराब से घृणा होने लग जाएगी, शराब से दूर जाने लग जाएगा। एकदम नहीं छूटेगी, मैं भी कह रही हूँ एकदम शराब नहीं छूटेगी, धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, मान लीजिए वो कभी एक बोतल अगर पूरी पीता है तो पहले 3/4 बोतल होगी, आधी होगी, 1/4 होगी, ऐसे धीरे धीरे करके छूटेगी, एकदम नहीं छूटेगी। पर 7 दिन तक अगर लगातार आप इस उपाय को कर लेंगे तो उस व्यक्ति की शराब 100% छूट जाएगी। जब शराब छूट जाएगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपने चैनल पर जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, लोगों के जो फीडबैक शेयर करते हैं, उन्हें शेयर ज़रूर करती हूँ। हो सकता है आपका भी रिजल्ट मैं आपका नाम लेकर अपने चैनल पर शो करूँ। अगर आप चाहते हैं आपका नाम ना लूँ तो भी आप अपना फीडबैक मेरे साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, मैं यहाँ पर बिना नाम लिए आपका फीडबैक भी लोगों के साथ पहुँचाऊँगी। आज के वीडियो में मैं जो नाम लेने वाली हूँ जिनको इससे फ़ायदा हुआ है, वो हैं रमन चौधरी। रमन चौधरी को बहुत ज़्यादा समस्या थी, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, स्किन पर जो सोराइसिस बीमारी होती है वो हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने मेरे चैनल पर मिरर टेक्निक जो मैंने शेयर की है उसे देखा, लगातार 55 डेज तक उन्होंने मिरर टेक्निक करी और इतनी पॉजिटिविटी के साथ करी कि 55 डेज के अंदर ही उन्हें अपनी स्किन में चेंज दिखने लगा। सोराइसिस जैसी बीमारी भी उनकी धीरे धीरे खत्म होने लगी। आज उनकी बीमारी 50% ही रह गई है। बहुत खुशी हुई ये जानकर, बहुत बहुत बधाई रमन जी को। आप इसी तरह से टेक्निक करते रहें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, 100% खत्म हो जाएगी आपकी बीमारी। तो आप भी इसी तरह से चैनल पर जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं उन्हें ज़रूर करें, आप खुद करके देखें। ऐसा मैं नहीं, मैं कहती हूँ
वैसा मेरा मानना है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई इच्छा ना हो, जो मनोकामना ना हो। तो इसलिए मेरे चैनल पर मनोकामना से रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ हैं। मैं बहुत सारे उपाय, बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे टोटके लेकर आती रहती हूँ जो कि किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरी करने में मदद करते हैं। तो आप भी उन्हें कीजिए और फिर अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।